हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत पुरानी, लेकिन इसमें थोड़ा सा न्यू मैंने इसे बना दिया है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे जो हेयर होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, या रोए आप कह सकते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं, वो आसानी से निकल जाते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ने लगते हैं तो हमारे जो हेयर होते हैं वो स्ट्रांग होने लगते हैं रूट से, यानी कि त्वचा के अंदर से, और वो हार्ड भी होते जाते हैं, जिसे कि ईजिली निकालना आसान नहीं होता है। तो आज जो मैं रेमेडी आप सभी लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, उस रेमेडी के इस्तेमाल से आप अपने फेशियल हेयर को, अनवांटेड अपर लिप्स हेयर को, लोअर लिप्स हेयर को, फोरहेड हेयर को, या बॉडी में किसी भी पार्ट में आपको हेयर प्रॉब्लम की समस्या है, तो उसको आप बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। साथ ही हेयर ग्रोथ जो तेज़ी से हो रही है, जिसकी वजह से आपको महीने में कम से कम 4 बार वैक्स करवाना पड़ता है, वो भी आपकी कम हो जाएगी इस रेमेडी को इस्तेमाल करने के बाद। आज के टाइम में जिन लोगों को फेशियल हेयर या अनवांटेड हेयर की प्रॉब्लम है, चाहे मेल या फीमेल हैं, उनको ये आसानी से दूर कर सके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस रेमेडी को बनाना। इस पैक को बनाने के लिए आपको यहाँ पे लेना है 1 चम्मच के बराबर सरसों का पाउडर, यानी कि मस्टर्ड सीड्स पाउडर, जिसे कि आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। सो गाइस, मैंने यहाँ पे ब्लैक सरसों इस्तेमाल की है। इसे अच्छे से मिक्सी में पीस लेना है और पाउडर फॉर्म में रेडी कर लेना है। तो बस वही 1 चम्मच मैंने यहाँ पे ऐड की है। इसके बाद आपको इसमें ऐड करना है हल्दी। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ वाइल्ड हल्दी, कस्तूरी हल्दी। अगर आपके पास ये हल्दी नहीं है तो आप यहाँ पे ले सकते हैं किचन वाली हल्दी, लेकिन सिर्फ पिंच ऑफ। तो 1/4 चम्मच मैं यहाँ हल्दी ऐड कर रही हूँ। इसके बाद आपको इसमें ऐड करना है दही। इन तीनों को अच्छे से आपको यहाँ पे मिक्स कर लेना है। सो गाइस, हमारा ये पैक बनके रेडी है। चलिए मैं इसे अप्लाई करके दिखाती हूँ आपको अपने हैंड पे। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, मेरे यहाँ पे आपको हेयर नज़र आ रहे होंगे। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हल्के हल्के जो हेयर हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे। तो इन्हीं पे मैं इसे अप्लाई करूँगी। मेरे चेहरे पे फेशियल हेयर या अपर लिप्स हेयर नहीं है, इसलिए मैं इसे फेस पे अप्लाई करके नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे आपको डिफरेंस नहीं पता चलेगा। ये जो पैक हम बनाए हैं दोस्तों, इससे आपके फेशियल हेयर, अपर लिप्स हेयर या फोरहेड में हेयर हैं वो तो निकलेंगे ही, साथ ही वहाँ की स्किन भी साफ़ होगी। सो गाइस, थोड़े से अमाउंट में हम इसे लेंगे और आपको इस तरीके से नीचे से ऊपर इसे अप्लाई करना है ऐसे। इसे अप्लाई करने के बाद आपको इसे मसाज नहीं करना है, इसे छोड़ देना है ऐसे, ताकि जो नीचे की स्किन है वो सॉफ्ट हो करके ये जो पेस्ट है वो अंदर जा सके, उस पर अपनी पकड़ बना सके और ये ड्राई हो सके। जब ये ड्राई होगा तब हम इसे स्क्रब करके छुड़ाएंगे। सरसों की तासीर जो होती है वो गर्म होती है, आप सभी जानते हैं। बहुत सारे लोगों को सरसों चुभता है, यानी कि चुनचुनाहट होती है उसका इस्तेमाल करने से, अगर आप इस तरीके से बीजों को पीस करके लगाते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे दही का इस्तेमाल किया है, क्योंकि दही हमारी त्वचा को ठंडक पहुँचाती है, साथ ही वहाँ के जो स्किन ब्लैक पड़ चुकी रहती है, या स्किन में आपकी जो टोन है, स्किन टोन वो बहुत डार्क रहती है, उसको भी ये साफ़ करती है। अगर आप घर पे थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं, वैक्स का इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके से अपने फेशियल हेयर, अपर लिप्स हेयर को रिमूव करते हैं,
तो हल्दी क्या इसमें काम करती है? हल्दी वहाँ पे आई स्किन में जो रेडनेस है, रैशेस है, या फिर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को थ्रेड और वैक्स करने के दौरान वहाँ की स्किन में इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है। तो हल्दी जो है वो एंटीसेप्टिक होती है, आप सभी को पता है। साथ ही ये बहुत सारे मेडिसिन प्रॉपर्टी से भरी होती है, जो कि आपकी स्किन में किसी भी तरीके का रेडनेस, रैशेस या फिर दाने नहीं आने देती, उसे तुरंत ही क्योर करती है। तो देखिए गाइस, ये यहाँ पे ड्राई हो गया है, सूख गया है अच्छे से। अब आपको इसे नीचे से ही रब करके ऊपर लेकर के आना है इस तरीके से, और बहुत ही आसानी से ये छूट भी जाता है। इसे जितना अच्छे से आप ड्राई होने देंगे, उतना ही अच्छे से आपके पूरे बाल यहाँ से हटेंगे और ये अच्छे से निकल जाएगा। जब आपको ऐसा लगे कि आपका जो पैक है वो बहुत ड्राई हो गया है या फिर बहुत ज़्यादा चिपक गया है आपकी स्किन में और नहीं निकल रहा है, तो आप थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दें ऐसे ही और अगेन से फिर इस तरीके से निकालें, तो ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए, मैंने इसमें ऑयल नहीं ऐड किया क्योंकि इसमें ऑयल की ज़रूरत नहीं है। और आप मेरी स्किन देखिए, बिल्कुल क्लीन क्लियर हो गई है। सो गाइस, एक बार में नहीं, लेकिन इसे आप 2 से 3 बार अप्लाई करेंगे तो आपके फेशियल हेयर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे और इनकी जो ग्रोथ है वो भी बहुत कम हो करके बिल्कुल बंद हो जाएगी। सो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की रेमेडी आप सभी को पसंद आई हो। इसे इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा और नीचे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको आज की रेमेडी कैसी लगी। इस रेमेडी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, घर में ही आसान तरीके से पुरानी पद्धति के अनुसार अपने जितने भी अनवांटेड हेयर हैं, फेशियल हेयर हैं या बॉडी में, स्किन में कहीं पे भी जो हेयर ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ हो रहे हैं, उनको ये 2 से 3 बार में ख़त्म कर देगी। चलिए फिर से मिलते हैं एक अनदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।